किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज सभी किसान भाई के लिए है। जो स्टॉप एट इंस्टॉलमेंट था, जो पैसा नहीं आ रहा था, ये पैसा आप किसान भाई को मिल चुका है। जैसे कि देखिए, इसमें दो स्क्रीनशॉट मिल रहा है, एक ऑफलाइन मैसेज है और एक किसान ने जो कि इंस्टॉलमेंट का जो ट्रांजेक्शन है, जो मिनी स्टेटमेंट है, ये मुझे व्हाट्सअप कर दिया है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बता रहे, 6 बजे आज ही पैसा मिला है, इसमें 29 दिसंबर 2023 लिखा रहे। उसके बाद देखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है, मिनी स्टेटमेंट है, इसमें आ रहा है देखिए 29 दिसंबर 2023 में किसान सम्मान निधि योजना का 14 इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को मिल चुका है। अभी भी और एक इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपका भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुका हुआ है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, आप ये वीडियो को बिना मिस कीजिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो लाभार्थी का पीएफ मेस कतरा आपसे एक्सेप्ट हुआ था, इसमें क्या बता रहे, देखिए इसमें 27 दिसंबर 2023 में पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट हुआ था। उसके बाद देखिए, ये जो किसान है, ये किसान का 27 28 29 दिसंबर तक ये किसान ने वेट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये किसान का आ रहा था यूआईडी नेबर इनेबल फॉर डीबीटी। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है कि जिन किसान भाई का पीएफएमएस की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उन सभी किसान भाई को अपने जो डीबीटी लिंक है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर करना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर करने के बाद इनका जो वेरिफिकेशन के लिए रेडी हुआ था, देखिए 23 दिसंबर 2023 में, और पीएफएमएस सेंड किया था 26 दिसंबर 2023 में, और 3 दिन वेट किया है। उसके बाद पीएफएमएस की तरफ से 27 दिसंबर 2023 में फाइनली रिप्लाई मिल चुका है। दोस्तों, 27 दिसंबर 2023 में रिप्लाई आने के बाद उनका जो पीएफएमएस का स्टेटस है, 28 दिसंबर तक इनका 9 बता रहा था, लेकिन पीएफएमएस की तरफ से जब भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तब भी ये किसान का आधार सेटिंग भी यस हो चुका है। और दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी का आधार सेटिंग तो यस हो चुका है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट आने वाला था, ये भी इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को मिल चुका है। जैसे कि ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी को 6 नंबर का इंस्टॉलमेंट से लेकर 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक पेंडिंग है। अभी जो मैसेज उनको मिला है, सिर्फ 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट का ही मैसेज मिला है। अभी भी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट आ चुका है, जो आने वाला इंस्टॉलमेंट है ये तो आ ही आएगा। जो 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट है, शायद 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब रिलीज होगा तब भी मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखिएगा, 6:10 पर आज ही पैसा मिला है उनको, 29 दिसंबर 2023 में 2000 की इंस्टॉलमेंट है। अगर आपको भी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट की बेनिफिशियरी स्टेटस है, बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद सबसे पहले सभी लाभार्थी को फॉलो करना होगा कि आपने जो इलेंस सेटिंग है, ईकेवाईसी है, आधार बैंक सेटिंग है, ये तीनों पॉइंट सही हुआ कि नहीं। अगर आप सभी का ये तीनों पॉइंट सही आ रहे, पैसा नहीं आ रहे, अभी आप सभी का पीएफएमएस की लाइव स्टेटस को भी चेक करना होगा और पीएफएमएस की पोर्टल पर जाके आपके जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन है, इसको भी चेक करना होगा। दोस्तों, बेनिफिशियरी जो स्टेटस है, वैलिडेशन वाली जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है, ये वाली जो स्टेटस है, ये वाली स्टेटस चेक करने के बाद आपको सबसे पहले फॉलो करना होगा कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी की जगह अपडेट लिखा रहे, रिजेक्ट लिखा रहे या क्रिएटेड लिखा रहे। बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आ चुका है कि क्रिएटेड आ रहे हैं। जिन किसान भाई का क्रिएटेड बता रहे हैं, उन सारे किसान भाई को वेट करना होगा, और जिनका अपडेट आ रहा है उनका सही है, और जिनका रिजेक्ट आ रहा है, उन सारे सभी किसान को फिर से पीएम किसान की जो डीबीटी लिंक है, इसको मजबूत करना होगा। जैसे कि अगर आपका आधार बैंकों में डीबीटी लिंक है, तो दोस्तों इंडिया पोस्टल पर जाके आपको डीबीटी लिंक को सबसे पहले सही करना होगा। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आप लोग ये वाली स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स में दूसरे और वीडियो में बता दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो देखिएगा। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको बहुत दिनों से पैसा नहीं आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल गाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। आज की जो डेट है, आज की डेट पर किन किन किसान भाई को पैसा मिला है, कॉमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।